दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों क्या आपको मालूम है एटीएम मशीन काम कैसे करता है? आप जब कभी भी एटीएम से पैसे निकालते होंगे आपको यही लगता होगा कि एटीएम के अंदर पैसे छापने का मशीन होगा या फिर एटीएम मशीन में कोई बैठा रहता होगा, इसीलिए तुरंत पैसे छपकर बाहर निकल जाते हैं। लेकिन इसके पीछे का राज क्या है वो आपको आज के इस वीडियो में मालूम चल जाएगा। आखिर एटीएम मशीन से तुरंत पैसे कैसे निकल जाते हैं? दोस्तों आज का जमाना एडवांस है और हमें अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकालने के लिए घंटों बैंक की लाइन में लगकर फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। बस अपना एटीएम कार्ड निकाला और तुरंत एटीएम मशीन से स्वाइप करते ही पैसे आपके हाथ में होते हैं। हालांकि ये प्रोसेस हमारे लिए बहुत आसान होता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है ये काम कैसे करता है? यानी कि आपके आधे से ज्यादा टाइम को बचाने वाली एटीएम मशीन किस तरह काम करती है? दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि एटीएम मशीन किस तरह पैसे निकाल कर आपके हाथों में बहुत ही आसानी से रख देती है। वीडियो बहुत ही ज्यादा रोमांचक होने वाला है, जिसमें मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की शानदार वीडियो। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों एटीएम मशीन के बैक साइड पर जो मैग्नेटिक स्ट्रिप रहता है उसी के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद रहती है। उसके नीचे आपको एक होलोग्राम देखने को मिल जाता है और फिर आपको बैंक की कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन दिखती है। वही आपको सिग्नेचर एरिया भी बीच में देखने को मिल जाता है और सिक्योरिटी कोड भी उसी के पास मौजूद होता है और फिर नीचे की ओर नेटवर्क लोगो भी लगा होता है। दोस्तों ये तो रही कार्ड की सारी इन्फॉर्मेशन। अब जब आप कार्ड को एटीएम मशीन के अंदर डालते हो तो आपको पैसे कैसे मिलते हैं ये भी हम डिटेल में जानते हैं। ये बात तो आप जानते हैं कि एटीएम कार्ड के अंदर जो ब्लैक स्ट्रिप होती है उसमें अगर हल्का सा भी स्क्रैच हो जाता है तो एटीएम कार्ड काम नहीं करता। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उसी ब्लैक स्ट्रिप के अंदर कंप्यूटर लैंग्वेज में आपकी और आपके बैंक अकाउंट की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है और जैसे ही कोई कार्ड एटीएम मशीन के अंदर जाता है तो एटीएम मशीन के अंदर मौजूद दो स्कैनर होते हैं, वो ये चेक करते हैं कि एटीएम कार्ड वैलिड है या नहीं, यानी कि कार्ड होल्डर का बैंक अकाउंट इस समय चल रहा है और तो और उसके अकाउंट में पैसे है या नहीं। ये सभी चीज मशीन के अंदर मौजूद स्कैनर चेक कर लेता है और उसके बाद अगर सब कुछ मैच हो जाता है तो चिप के जरिए सारी इन्फॉर्मेशन बैंक की सर्वर तक जाती है। और अगर आपको ये बैंक का सर्वर वाला केस समझ में नहीं आ रहा तो हम आपको बता दें कि जब कभी भी आप कोई अकाउंट खोलते हैं तो उसके साथ ही आपके अकाउंट से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन बैंक के सर्वर में पहुंच जाती है जो पूरी तरह से स्टोर रहती है और आप जो कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो वो सभी चीजें उस सर्वर में पहुंचते हुए खुद ब खुद अपडेट हो जाती है और उसी का छोटा फॉर्म आपको एटीएम कार्ड में चिप के जरिए दिया जाता है, जिसके जरिए जब कभी भी आप एटीएम कार्ड से कोई ट्रांजेक्शन करो तो चिप के जरिए आपके अकाउंट का सारा डाटा सर्वर तक पहुंच जाए और फिर जब आपके एटीएम कार्ड में मौजूद चिप के जरिए बैंक सर्वर से आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाता है तो आपके सामने कई सारे ऑप्शन आते हैं। ये तो बात हुई टेक्निकल चीजों की, अब हम बात करते हैं एटीएम मशीन के फिजिकल पार्ट्स की, क्योंकि कई सारे लोगों को ये कंफ्यूजन बना रहता है कि एटीएम मशीन में आखिर पैसे कहां से आते हैं, क्या एटीएम मशीन खुद पैसे छापता है या फिर कुछ और होता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें एटीएम मशीन कई सारी तरह की होती है, लेकिन हमारे इंडिया में जनरली दो प्रकार की एटीएम मशीन होती है। सबसे पहले तो बेसिक एटीएम मशीन जो आपको जगह जगह पर देखने को मिल जाएंगी, फिर चाहे वो मॉल हो, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो या फिर कुछ और जगह जिसमें से आप सिर्फ पैसे निकाल सकते हो। लेकिन दोस्तों जो दूसरी तरह की एटीएम मशीन होती है वो ऑल इन वन एटीएम मशीन होती है, जिसके अंदर आप न सिर्फ पैसे निकाल सकते हो बल्कि पैसे डाल भी सकते हो और इस तरह की मशीन आपको ज्यादातर बैंक के अगल बगल ही देखने को मिलती है। उसी के साथ हम आपका सबसे पहला डाउट ये क्लियर कर दें कि एटीएम मशीन के अंदर कोई भी प्रिंटिंग मशीन नहीं होती है, इसके अंदर खुद एम्प्लॉइज के जरिए पैसे डाले जाते हैं और इसे खोलने के लिए एक अलग तरह की चाबी आती है और उसी चाबी से इसे खोलकर अलग अलग तरह के ट्रे में पैसे सेट किए जाते हैं और ये सारा काम मैनुअल होता है, यानी कि इंसानों द्वारा होता है। बेसिक एटीएम मशीन में तो सारे ट्रे भर दिए जाते हैं, लेकिन जो ऑल इन वन एटीएम मशीन होती है उसमें एक ट्रे खाली छोड़ दी जाती है जिसमें चेक और पैसे कलेक्ट होते हैं और बाद में वो पैसे और चेक एम्प्लॉइज द्वारा कलेक्ट करके बैंक तक पहुंचा दिए जाते हैं। और जब कोई भी इंसान एटीएम मशीन में अपने अमाउंट डालकर पैसा निकालता है तो एटीएम मशीन के अंदर एक स्ट्रिप होती है जिसके जरिए एक नोट निकलती है
और वो एक एक नोट करके आगे वाले प्लेस पर जहां से पैसे निकाले जाते हैं उस जगह पर इकट्ठे होते हैं। और वो ऑपरेटिंग स्ट्रिप इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है कि एक नोट के अलावा सर का बाल भी उस जगह से नहीं निकल सकता। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पैसों की काउंटिंग में कोई गड़बड़ ना हो, क्योंकि कई बार दो दो नोट एक साथ चिपक जाते हैं और ऐसी चीजें ना हो इसी वजह से इस तरह की टेक्नोलॉजी फिट की गई है। अगर डिपॉजिटिंग की बात की जाए तो एटीएम मशीन के अंदर एक ऐसा स्कैनर भी रहता है जो कोई भी क्रैक नोट या फिर जाली नोट को नहीं लेता और तुरंत उसे बाहर निकाल देता है। बात करते हैं उस चीज की जो आपको एटीएम स्कैम से बचा सकती है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि कुछ लोगों के पैसे उनके बिना निकाले ही बैंक अकाउंट से कट जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एटीएम स्कैमर आपके कार्ड को ट्रेस कर लेते हैं। उससे बचने के लिए आपको कुछ इस तरह से बचकर रहना पड़ेगा। पॉइंट नंबर वन, जहां पर भी आप अपना कार्ड इंसर्ट करते हो उस जगह पर आप ध्यान से देखें कोई और चीज तो नहीं है, क्योंकि कई बार स्कैमर अपनी अलग से कार्ड इंसर्टिंग डिवाइस फिट कर देते हैं, जिस वजह से आप जब कभी भी अपने कार्ड की कोई इन्फॉर्मेशन डालते हो तो वो तुरंत हैकर्स के पास पहुंच जाती है। दूसरी मेन चीज, जब कभी भी आप पिन कोड डालते हो तब याद रखो कि कोई भी माइक्रो कैमरा आपको देख ना रहा हो, क्योंकि कई सारे हैकर्स माइक्रो कैमरा को इंसर्ट कर देते हैं ताकि वो आपके कार्ड की इन्फॉर्मेशन देख सके। इसलिए इस तरह के कैमरों से बचकर रहना। सबसे जरूरी, जब आप अपना पूरा ट्रांजेक्शन कर लें तो उसके बाद सारे इन्फॉर्मेशन को क्लियर करने के लिए वहां पर एक बटन होता है, उसको जरूर दबाएं, जिससे आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन एटीएम कार्ड में मौजूद ना रहे और आपके बाद आने वाला या फिर कोई हैकर आपकी डिटेल को हैक न कर सके। बाकी उम्मीद है दोस्तों आप अपना एटीएम कार्ड संभाल कर इस्तेमाल करते होंगे और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी ऐसा करने के लिए कहते हैं। और इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।